फ्रेंड्स, मैं योगेश बजाज सुपर विल्स कानपुर से। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल योगेश ऑटो वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपको बताने वाले ईवी व्हीकल का जो ट्रांसमिशन हमारे पास आप देख रहे हैं ओपन पड़ा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं ट्रांसमिशन गियर और शाफ्ट वगैरह सब रखे हैं, मोटर वगैरह। तो फ्रेंड्स, आपने पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने फोन ओपन करते हुए वीडियो बनाई थी, तो हमने पहले आपको दिखाया भी था कि फिक्सर पे भी हम लोग लगा के काम करते हैं। तो ये हमारे पास ये फिक्सर है और सीएनजी व्हीकल का फिक्सर है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें कैसे ओपन कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये हम आज इसको असेंबल करेंगे, यानी इसको बांधते हुए या कंप्लीट करते हुए दिखाएंगे कि हमें कैसे इसको कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पास मोटर रखा हुआ है, तो हम फिलहाल इस गाड़ी का मोटर आज चेंज करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, हमारे जो मैकेनिक भाई हैं जो ईवी व्हीकल का काम सीख रहे हैं कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर कभी हमें ट्रांसमिशन ओपन करना है तो कैसे करना है और कंप्लीट करना है तो कैसे करना है, क्योंकि जिसमें छोटे छोटे गियर लगे हुए हैं इन पे विशेष ध्यान देना है कि वाइसर जो वाइसर गियर वगैरह लगे हुए हैं तो कभी भी इसे हमें अच्छे तरीके से लगाना है। तो दोस्तों, चलो इस व्हीकल व्हीकल में में नया मोटर लगा रहे हैं, तो कभी भी हमें मोटर वगैरह चेंज करना है या ट्रांसमिशन उतारना है गाड़ी से अलग करना है तो इस तरह से हमें टेपिंग कर देना है, टेपिंग कर देना है इस तरह से, टेपिंग कर देना है ताकि इसमें कोई डस्ट डस्ट वगैरह ना लगे, मिट्टी वगैरह धूल वगैरह इसमें इकट्ठा ना हो, इसके अंदर धूल मिट्टी चली जाएगी तो दिक्कत हो सकता है। आप लोग देख रहे हैं इसमें किस तरह से यहाँ पे पिन दिख रहे हैं, तो इसमें अच्छे से टेपिंग कर दें। ये जो गाड़ी में लगा हुआ मोटर था वो है, तो इसमें स्पैसर लगा हुआ है, इस जो नया मोटर आया हमारे पास उसमें नहीं रहता है, तो इसको हम लोग को निकाल के इसमें लगाना है। तो इसको निकालते वक्त आपको देखना है यहाँ पे एक रिंग होती है, ये रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रिंग इसके अंदर लगता है, ये रिंग इसके अंदर लगता है, ऐसे बैठ जाएगा। इसके बाद इसको इसमें लगा देना है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी एक रिंग टाइप बना हुआ है, इसमें रिंग नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे रिंग लगा हुआ है, ये वाला रिंग निकाल के इसमें लगाना है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना है हमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑयल लीकेज होने के ज़्यादा चांसेस होंगे अगर ये चीज़ नहीं ध्यान दे के लगाएंगे तो। उसके बाद ये जो इसका पल्ला है जिसे हम केसिंग भी कह सकते हैं, इसे लगाना है। पे आप लोगों को मोटर नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे इसका मोटर नंबर है, यहाँ पे बारकोड भी दिया गया है। तो उसके बाद हम लोग इसका जो पल्ला होता है ये लगाएंगे, तो पल्ला कुछ इस तरह से लगेगा, ये इसकी पोजीशन होती है। इसके चार बोल्ट हैं जो कि एक दो और दो इस साइड लग जाएंगे, चार बोल्ट लगाने हैं, ये पल्ला लगकर कंप्लीट हो जाएगा। चारों को बराबर बराबर टाइट करना है हमें। ये मोटर का शाफ्ट है, इस पे ये प्राइमरी गियर लगेगा, तो प्राइमरी गियर कुछ इस तरह से लगेगा। उसके बाद यहाँ पर दो वाइसर हैं, तो ये दो वाइसर लग गए। उल्टी चूड़ी का नट है, तो हमें इसे उल्टा टाइट करना है, जिस साइड हमें टाइट करना है ये उधर का खुलता है और जिधर खोलना है ये उधर का टाइट होता है। इसका कुछ अलग ही रोल है। गियर लगाएंगे, इसमें देख रहे हैं आप दो बैरिंग है, इसमें दो बैरिंग है, तो हमें इस तरह से इसमें डिफेंसर गियर लगा देना है। तो डिफेंसर गियर लग गया है। इसके बाद हमारे पास दो शाफ्ट हैं, आप लोग देख रहे हैं ये दो शाफ्ट हैं, पर एक बैरिंग लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों शाफ्ट लग गया है, ये इनपुट शाफ्ट है जो कि सीधी चूड़ी का होता है इनपुट शाफ्ट, और इसके बाद यहाँ पर जो शाफ्ट है ये वाला आउटपुट शाफ्ट है, ये चूड़ी आप देख रहे हैं, ये चूड़ी आप देख रहे हैं, तो ये उल्टी चूड़ी का, यानी जो हम लोग थ्रेड भी कह सकते हैं, ये उल्टी चूड़ी का है। ये फॉर्क है, फॉर्क कुछ इस तरह से लगेगा, और उसके नीचे आपको ये दिख रहा है ये वाला वाइसर टाइप है। उसके बाद एक ये पिन है, पिन यहाँ पे आ जाएगी, पिन ऐसे आ जाएगी फ्रेंड। इसके बाद ये गियर शिफ्टर फॉर्क है, जो फॉर्क को
ऊपर नीचे करने का काम करता है। आप लोग देख रहे हैं ये फॉर्क कुछ इस तरह से वर्क करता है, आप लोग देख रहे हैं मैग्नेट है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है जिसे इंडिकेट सेंसर कहते हैं। उसके बाद ये गियर पोजीशन सेंसर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये गियर पोजीशन सेंसर भी कहते हैं इसे। तो ये गियर को फर्स्ट सेकेंड न्यूट्रल करने का काम करता है, किस एंगल पे है फर्स्ट या सेकेंड या न्यूट्रल, तो यही इसका वर्क करता है। तो आप लोग देख रहे हैं ये कभी यहाँ पर खोलते वक्त हमें ध्यान देना है कि स्क्रैच वगैरह इस पर ना आए जरा सा भी। अगर स्क्रैच वगैरह आने लगेगा तो ऑयल लीकेज होने की समस्या आ सकती है। तो आप लोग इसे अच्छे से खोलें और अच्छे से ही इसे असेंबल करें, नहीं तो इसमें ऑयल लीकेज होने की बहुत ज़्यादा शिकायत आने लगेगी। तो इसमें हम लोग एक बोल्ट लगा देंगे, बोल्ट लगाने के बाद इसे फिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये इसमें बोल्ट लगा दिया है, और बोल्ट लगाने के बाद इसे हमें प्लेन नहीं रखना है, कुछ इस तरह से इसे कर देना है। आप लोग देख रहे हैं करने से कैसे होते जा रहा है ये। तो बोल्ट लगाने के बाद हमें इसे प्लेन पे नहीं रखना है, इसे इस तरह कर देंगे तो ये थोड़ा सेकंड वाले पल्ले में अच्छे से लग जाएगा। उसके बाद हमें इसमें दूसरा वाला पल्ला लगा देना है। अगर कभी बाई चांस ये सही से ना निकले या ना बैठे, घोड़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। हमारे पास इस तरह का हैमर होता है, तो हम इस हैमर से इस तरह से हल्का मारते मार भी सकते हैं। और निकालने के टाइम यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं निशान बना हुआ है, निकालते वक्त इस पर मारना है, और यहाँ पर भी एक बना हुआ है। तो कभी भी प्लास्टिक का हैमर लेना है और यहाँ पर इस तरह से मार देना है, यहाँ पे और यहाँ पे मारेंगे तो ये ऊपर वाला पल्ला या केसिंग आराम से निकल आएगा बाहर। बोल्ट लगे हुए हैं, तो आप ये लोग ये देख रहे हैं कितने छोटे छोटे 12 बोल्ट हैं। तो फ्रेंड्स ये 8 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं, 8 के हमारे पास टी टामी है। तो हमें कभी भी ऐसे टाइट नहीं करना है, आमने सामने जैसे यहाँ से टाइट करना है, फिर उसके बाद यहाँ टाइट करना है, फिर यहाँ टाइट करना है, फिर यहाँ टाइट करना है, फिर चारों तरफ से बराबर टाइट करना है। तो कुछ इस तरह से टाइट कर देना है। फ्रेंड्स ये टाइट हो गया है, टाइट होने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे गियर शिफ्टर फॉर्क है। कभी भी हमारे जो मैकेनिक भाई हैं ये कंप्लीट करने के बाद इसे थोड़ा सा एक बार घुमाकर जरूर देख लें ये कहीं टाइट तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग जब इसे टाइट करेंगे, जब ये टाइट किया जाता है तो टाइट होने के बाद ये जाम हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं ऐसा फ्री होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा गियर लगा हुआ है, इसे लगा देना है। तो फ्रेंड्स ये भी उल्टी चूड़ी का है। उसके बाद यहाँ पे एक और गियर है। तो फ्रेंड्स जो ओपन करते हुए पहली वाली वीडियो थी उसमें भी ये बताया है कि ये शिफ्टर मोटर से अटैच रहता है। अभी हम आपको शिफ्टर मोटर भी दिखाएंगे किस तरह अटैच रहता है। उसके बाद यहाँ पर एक वाइसर लगाना है जो आउटपुट शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट का भी चूड़ी उल्टा है, आप लोग देख रहे हैं ये उल्टी चूड़ी का है। उसके बाद यहाँ पर इनपुट शाफ्ट है, इनपुट वाले शाफ्ट का सीधी चूड़ी है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरह कुछ निशान आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दो लॉक लगेंगे। तो ये यहाँ पर दो लॉक है। उसके बाद तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं ये जो गाड़ी में लगा हुआ स्पीड सेंसर है, जिसे हम लोग व्हीकल स्पीड सेंसर कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तीन कटिंग बना हुआ है, कुछ इस तरह से कट है, ये ऊपर की साइड रहेगा, इसे कभी भी ध्यान देना है। उसके बाद फिर से एक लॉक आ जाएगा, इसे लॉक कर देना है, यहाँ पर एक लॉक और लग जाएगा, यहाँ पर एक लॉक और लग गया है, ये ओके हो गया है, ये भी टाइट हो गया, ये भी टाइट हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इसका व्हीकल स्पीड सेंसर है जो कि इससे अटैच होकर चलता है। तो यहाँ पर शिफ्टर मोटर है, हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था, यहाँ पे ये इधर से अटैच होकर कुछ यहाँ पर अटैच हो जाता है। यहाँ पर ये जो शिफ्टर मोटर का शाफ्ट है यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो ये इसे कुछ इस तरह से आगे पीछे करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी पैकिंग लगी हुई है, आप लोग देख रहे हैं
फिर भी इसमें हल्का सा बोन ट्यूब लगा देना है, या फिर इसको हम लोग फिट कर देते, कंप्लीट कर देते हैं। तो इसे भी हथौड़ी वगैरह नहीं मानना है, बस ऐसे करेंगे तो आराम से ये बैठ जाएगा। फ्रेंड्स इसमें भी सेम साइज का वही बोल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर 7 बोल्ट लगे हुए हैं और वही टी टामी लगेगी 8 वाली। फ्रेंड्स इसे भी वैसे ही टाइट करना है आमने सामने। तो दोस्तों ये बंद कार एकदम कंप्लीट हो गया है, अब हमें बस इसमें कवर लगा देना है। तो फ्रेंड्स ये इसका कवर है जो कि मोटर को सेव करने के लिए लगाया गया है और ये अब कंप्लीट हो चुका है। लोगों ने देखा किस तरह गाड़ी का मोटर चेंज हुआ है और पूरा ट्रांसमिशन असेंबल किया गया, यानी पूरा ट्रांसमिशन गाड़ी का कंप्लीट कर दिया गया है। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।